तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रविकांत GSM मोबाइल पे। तो ये हमारे पास फ़ोन आया हुआ है जिसका मॉडल नंबर है सैमसंग A12M12। ठीक है, तो देख सकते हैं डिस रीडिंग पे इसकी मतलब 6 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो और मैं आपको इसकी चार्जिंग भी चेक कराता हूँ। तो ये मैंने कनेक्टर लगा दिया, फिर मैं आपको चेक कराता हूँ एक बार। ये तो देख सकते हैं केबल कनेक्ट कर दिया है और नंबर 4 पे देखिए कोई भी चार्जिंग इन कंज्यूम नहीं कर रही है। ठीक है, और ये सेक्शन इसका जो ये लाइट सेक्शन है तो यहाँ पे जलने के निशान है। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर फ़ोन डेड कंडीशन में। ठीक है, ये ऑन नहीं हो रहा ना ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो एक बार हम चेक करेंगे। तो इन दोनों कैप पे मुझे शॉर्टिंग मिल रही है, बाकी और जगह चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सब पे जी आर ओके है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ थर्मल पे। ठीक है, तो ये मैंने ग्राउंड वायर यहाँ पे सोल्ड कर दिया। और DC वायर की एक वायर हमें उस लाइन पे जोड़ना है जो लाइन शॉर्ट है हमारी। ठीक है, तो जो लाइन हमारी शॉर्ट है मैं उस लाइन पे मैंने प्लस पॉइंट जोड़ दिया है। ठीक है, एक वायर वहाँ ग्राउंड करनी है आपको। ठीक है, और जिस लाइन पे शॉर्टिंग है उस लाइन में हमें सप्लाई देना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने थर्मल कैमरा ओपन कर लिया है, तो देख सकते हैं ये एरिया हमारा कुछ ज़्यादा हीट हो रहा है। ठीक है, और जो थर्मल का अलार्म है वो भी बहुत ज़ोर से आवाज़ कर रहा है। तो आप यहाँ पे रोजिन अप्लाई करके भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा पार्ट शॉर्ट है। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर सामान है तो आप उसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा। मेरे पास थर्मल है तो मैं थर्मल यूज करता हूँ। तो देख सकते हैं ये ऊपर दो कैपेसिटर लगे हुए हैं वहीं पे प्रॉपर हीट हो रहा है। तो एक बार मैं फटाफट थोड़ा थोड़ा हीट देख मतलब झटके से वोल्टेज देता हूँ, झटके से मतलब बटन दबा के तुरंत छोड़ता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर वाला कैप शॉर्ट लग रहा है मुझे। ठीक है, तो आप उसका कलर भी देख सकते हैं चेंज है थोड़ा, तो मैं पहले उसी को निकालूंगा। ठीक है, और ये मैं साथ के साथ कॉइल भी रिमूव करूंगा क्योंकि कॉइल के आसपास जलने के निशान है। तो क्या होता है कि कॉइल भी ख़राब हो जाता है, तो कॉइल ख़राब हो जाता है तो फिर पता नहीं चलता कि फिर मैं चेंज करके चेक करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ख़राब कॉइल भी बीप देगा और ओके कॉइल भी बीप देगा। लेकिन आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपके पास एक कोई ओके कॉइल है उसकी आप रीडिंग चेक कर लें, नोट कर लें कि इतनी आ रही है, और फिर एक अंदाजे से आप काम कर सकते हैं। लेकिन कॉइल चेंज कर दो तो ही फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बर्न हो गया है,
तो वो कभी भी ख़राब हो सकता है, अगर आप चेंज भी नहीं करेंगे तब भी, तो हमें चेंज ही कर देना चाहिए। तो सॉर्टिंग हमारी देखिए रिमूव हो चुकी है। तो मैं कॉइल भी चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि कॉइल के आसपास हीट के कारण बोर्ड थोड़े बर्न टाइप का मुझे लग रहा था, शायद ये कॉइल भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, फिर मैं इसको चेंज कर ही देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें शुरू में दिख गया था कि कॉइल के आसपास काफ़ी जलने के निशान थे। तो देख सकते हैं मैंने कॉइल और कैपेसिटर दोनों रिमूव कर दिया है, और मैं इस कंडीशन में सेट को चार्जिंग में ला कर चेक करूँगा, क्योंकि ये फ़ोन चार्जिंग नहीं ले रहा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सॉर्टिंग हटने के बाद हमारा फ़ोन चार्जिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा। तो इस समय मतलब इसमें कॉइल नहीं है और कैपेसिटर भी हटा रखा है, तो इसमें लाइट तो जलेगी नहीं, लेकिन हमें चार्जिंग होती हुई ज़रूर दिखेगी। ठीक है, तो देख सकते हैं 1.8 के समथिंग चार्जिंग ये कंज्यूम कर रहा है। तो अब किसी डोनर बोर्ड से हम दोनों ये पार्ट इसके अंदर फिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं ये मेरे पास नोट 4 एक फ़ोन पड़ा हुआ है, मैं यहाँ से एक कैपेसिटर रिमूव मतलब कैपेसिटर यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो जो कैपेसिटर हम जहाँ से ले रहे हैं ये लाइट सेक्शन का है। अगर आपके पास लाइट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लाइट सेक्शन से ही कैपेसिटर उठा के वहाँ लगाएं तो बेटर होगा। तो देख सकते हैं हमने यहाँ से कैपेसिटर रिमूव कर लिया है। और ये कैपेसिटर हमने जहाँ से रिमूव किया है वहाँ हम फिक्स कर देंगे। तो देख सकते हैं हमें कैपेसिटर हमारा लग चुका है, और अब हमें डायोड की ज़रूरत पड़ेगी, कॉइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉइल हम इस स्क्रब बोर्ड से ही उठाएंगे। तो ये मेरे पास एक स्क्रब बोर्ड पड़ा हुआ है, नोट 6 प्रो होगा या शायद नोट 6 प्रो है। तो देखिए यहाँ से हम कॉइल उठाएंगे। ये तो ये कॉइल हमने यहाँ से उठा लिया है। ठीक है, अब बस थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा, और यहाँ से हम उठा के और इसको हम यहाँ पे फिक्स करते हैं। तो इस कॉइल को हम यहाँ पे फिक्स करते हैं, और फिर चेक करते हैं कि जो हमारा सेट डेड कंडीशन में था वो
उसकी स्क्रीन वगैरह आ रही है प्रॉपर, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये हम चेक करेंगे फटाफट, इसको फिक्स करते हैं और चेक करते हैं। तो देख सकते हैं बोर्ड पे हमने जो पार्ट ख़राब थे हमने रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। और इसको एक बार चेक करते हैं कि डिस्प्ले की स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही, टच वगैरह वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। और जो फ़ोन हमारा डेड कंडीशन में था, जो ऑन नहीं हो रहा था, वो ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम सब चेक करेंगे प्रॉब्लम इसकी जो जो इसमें थी, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम थी ये सेट डेड था, दूसरा ये चार्जिंग नहीं ले रहा था, ठीक है। और तीसरी प्रॉब्लम थी वो 6 एम्पियर कंज्यूम कर रहा था। तो चेक करते हैं, चार्जिंग पिन मैंने लगा दिया है, देखिए चार्जिंग लोगो आ चुका है। थोड़ा देर वेट करते हैं, तो देख सकते हैं बैटरी इसकी चार्ज है। और मैं आपको चार्जिंग वगैरह चेक कराता हूँ, तो देख सकते हैं रेड वाली वायर है सबसे लास्ट वाली, और चार्जिंग प्रॉपर कंज्यूम कर रहा है जितनी शो करनी चाहिए। और एक बार सेट को हम ऑन करते हैं और चेक करते हैं जो हमारा सेट डेड कंडीशन में था ये ऑन हुआ कि नहीं हुआ प्रॉपर। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इसके पॉइंट बने हुए हैं, इन्हें हम शॉर्ट करेंगे। ये ऑन हो चुका है, और ये ऑन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसके अंदर, तो मैं वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। कभी आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप सीपीयू और एमएमसी की तरफ ना मूव हो जाएं, थोड़ा वेट करना है, ठीक है। तो ये कम से कम 5 मिनट लगा इसको प्रॉपर ऑन होने में। मैंने वीडियो को काफ़ी फास्ट कर रखा है, देख सकते हैं कितना वेट करना पड़ रहा है इस फ़ोन में। वही एक बार इसका प्रोसेस पूरा होने के बाद ही फटाफट ऑन और ऑफ हो रहा था, शायद चलते चलते कुछ फाइलें क्रैश हो गई हैं इसकी। तो देख सकते हैं सेकंड लोगो आ चुका है, वेट करते हैं और ये फर्स्ट लोगो भी आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये रिपेयर हो रही है फाइलें, तो इसको थोड़ी देर होने देते हैं, शायद अचानक बंद हो गया हो इस वजह से प्रॉब्लम आई हुई है। तो फिर बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा ऐप चलते हैं, रनिंग होते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन ओके हो गया। तो आपको इस वीडियो जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।